हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास सेवेंथ चैप्टर फिफ्थ से, इसका नाम है एसिड एंड बेस, द टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन करा रहा हूँ। एसिड एंड बेस में आपको मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके सब्जेक्ट में आपको समझा रखा है। दूसरा जो थ्री नेचुरल इंडिकेटर्स थे उसके विषय मैंने आपको बता रखा है, और अब इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है एकदम निष्क्रिय, या फिर ये कहो अगर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड एंड बेस एंड साल्ट में, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ या वह सब्सटेंस जो ना तो बेस हो, यानी कि ना तो बेसिक हो और ना ही एसिड हो, एसिडिक हो। तो ऐसे पदार्थ को जो ना बेस की क्वालिटी रखता हो, यानी कि बेसिक नेचर की क्वालिटी रखता हो, ना ही एसिडिक नेचर की क्वालिटी रखता हो, तो ऐसे पदार्थ को हम न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल पदार्थ। अब बात आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन, तो उससे देखिए क्या कह रहा है। न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उनका जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, किसमें? अपने नेचर में। न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शन की है, इन विच इसमें एन एसिड एंड बेस सब्सटेंस इज मिक्स्ड। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम एसिड और बेस सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे विद ईच अदर आपस में, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जो उनके एसिडिक एंड बेसिक नेचर होता है उसी के ऑर्डर में हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, वह पदार्थ, इन प्रोडक्ट दैट, यदि पदार्थ बन रहा है उसकी विषय बताया जा रहा, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड साल्ट। जो पदार्थ आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में जो पदार्थ बनेगा उसे हम साल्ट कहेंगे। साल्ट मीन्स नमक। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन, फिर देखिए, साल्ट कैन हेल्प बेसिक एसिडिक, बेसिक और एसिडिक और न्यूट्रल नेचर। साल्ट क्या होता है? साल्ट कैन है बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल नेचर, वो न्यूट्रल नेचर का होता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट क्या होती है? जनरेट होती है, एंड विच रेजेस द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर को देती है आफ्टर द रिएक्टिंग मिक्सचर, जब उसमें मिक्सर का उसे मिलाया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं, जब मार्केट से हम जो चूना पत्थर लाते हैं तो उसे जैसे ही वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, अपने आप में वो बबल्स उसमें उठने लगते हैं, यानी कि वो हीट तो एकदम हीट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि चूना क्या होता है जलने लगता है, मतलब नीचे से उबलने जैसा लगता है। उसी के लिए बता रहा, अ सिंथेटिक इंडिकेटर आफ्टर ए ऑफन यूज टू टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज प्रोपिलीन सॉल्यूशन, इट इज अ पिंक ऑफ कलर। ये क्या हो जाता है, प्रोपिलीन सॉल्यूशन वो पिंक कलर का हो जाता है अगर उसकी हम केमिकल रिएक्शन अगर करते हैं तो। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू इट, जब हम उस एसिड को उसमें ऐड करेंगे, टर्न कलर इंडिकेटर द प्रोसेस ऑफ एसिड, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा
इससे हमें ये पता लग जाएगा वो एसिड है। When a base is added to it, अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं, it turns it pink color, indicating the process of the bases. Process of the bases. Pink color turn, हाँ pink color turn process the base. एक इसमें मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी, तो रिएक्शन मैंने आपको बताई है, वो रिएक्शन ये है, आप देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दी, तो एक इसमें बेस है और एक एसिटिक है, इन दोनों को आपस में मैंने मिला दिया। मिलाने पर क्या हो जाएगा, आपको वाटर मिलेगा और फिर साल्ट मिल जाएगा NaCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसे आप बेस कहेंगे, बेस हो गया आपके पास, ये NaOH एसिड हो गया, और इन दोनों को हमने मिला दिया तो आपके पास NaCl इनकी क्या मिल गया, हमें सोडियम क्लोराइड मिल गया, साथ साथ में आपके पास वाटर मिल गया। तो ये चीज़ न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। क्या है, हमने आपसे कहा न्यूट्रलाइजेशन ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक साल्ट और दूसरे को एसिड को मिक्स कर देते हैं, फिर जो उसकी प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस के बाद जो चीज़ें, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और न्यूट्रल पदार्थ के विषय में भी आपको मैंने बताया, न्यूट्रल पदार्थ सीधे सीधे आप कह सकते हो कि न्यूट्रल क्या है, कि ऐसे सब्सटेंस कि जिनकी नेचर ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, तो ऐसे पदार्थ को हम न्यूट्रल सब्सटेंस से न्यूट्रल पदार्थ कहते हैं। तो ये आपके लिए आज न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक था, और आशा करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको आपके साथ हूँगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका इनडाइजेशन लेकर मैं आऊँगा, कि क्या होता है इनडाइजेशन, उसके विषय में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।